ये हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव का पल है, और राजस्थान पुलिस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सुपर्ब कहा जाएगा, अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन इन्होंने किया है। और न केवल राज्य पुलिस बल्कि सीपीओज वगैरह में भी ये सबसे आगे हैं, नंबर वन। तो राजस्थान पुलिस का नंबर वन आना ये हमारे सबके लिए, राजस्थान पुलिस के लिए और राजस्थान राज्य के लिए बहुत गौरव की उपलब्धि है, गौरवपूर्ण उपलब्धि है। आगे ओलंपिक में किस तरह तैयारी करेंगे? निश्चित रूप से एशियाड में इनकी अभूतपूर्व सफलता आगे का मार्ग इनका प्रशस्त करेगी, और इनको हर तरह से जो भी सहूलियत और सपोर्ट देना वांछनीय है वो हम लोग देंगे, और हम चाहेंगे कि अपना झंडा ये गाड़े वहाँ भी, ओलंपिक्स में भी। हमारे पास में करीब 350 से अधिक स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो राजस्थान पुलिस के पार्ट हैं। उनमें से हमने शुरुआत में, वर्ष के शुरुआत में करीब 17 खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई किया था कि जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दे सकते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर राजस्थान का नाम रोशन कर सकते हैं। उन 17 खिलाड़ियों को फाइनेंशियल हेल्प हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, प्लस उनको साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और देश के अन्य जो ख्यातिमान कोच हैं उनसे उनको ट्रेन करवाया गया, और ट्रेन करवा के उन 17 में से 10 हमारे खिलाड़ी एशियन गेम्स में सिलेक्ट हुए हैं। अभी कनाडा में भी जो पुलिस फायर गेम्स हुए थे उसमें भी राजस्थान के 32 मेडल्स आए हैं। रिसेंटली हमारा अभी मधुबन हरियाणा में ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स मीट हुई थी, रेसलिंग क्लस्टर था, उसके अंदर भी 27 मेडल्स हमारे आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गोल्ड मेडल और इंडिविजुअल इवेंट में पहली बार राजस्थान में हमारे पास में जो मेडल आया है वो राजस्थान पुलिस में आया है।